गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज व्हीट स्टोन प्रेस। इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रजिस्टेंस क्विकली एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रजिस्टेंस। यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाया गया है। इस व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब एक तरह का ब्रिज है जो चार रजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ होता है, और इन चार रजिस्टेंस में से किसी भी एक रजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत अच्छे से एक्यूरेटली ये फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे देखो, हमने डायग्राम बना रखा है इसका, फोर रेजिस्टेंस का यूज़ किया है हमने। ये देखिए, पी क्यू आर और एस, ये इस तरीके से हमने एक ब्रिज बना रखा है फोर रेजिस्टेंस का यूज़ करके। और यहाँ पे पॉइंट्स, इसके नोड्स हैं ए बी सी डी। बी और डी आपके पास में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो जी है। और ए और सी जो नोड हैं वो आपके यहाँ से ईएमएफ से जुड़े हुए हैं, सेल से जुड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर करंट जानी स्टार्ट होगी, आई करंट। ये करंट ए पॉइंट पर जैसे ही जाएगी वहाँ पे इसको स्प्लिट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पी जो रेजिस्टेंस लगा रखा है उस पर आई वन करंट जाएगी, और आर जो रेजिस्टेंस लगा रखा है उस पर आई टू करंट जाएगी। अब ये I1 करंट जो है वो B नोड पर जाएगी, और B नोड पर जाकर फिर से इसको स्प्लिट होना पड़ेगा। दो रास्ते मिल गए हैं इसको, तो यहाँ पे IG करंट जाएगी और जो बची हुई करंट है मतलब I1 माइनस IG वो Q पर चली जाएगी। इस तरीके से ही आप यहाँ पर आ जाएं, I2R जो है वो यहाँ पर चली जाएगी, D नोड आ जाएगा। D नोड पे यहाँ से आई जी करंट आ रही है, तो ये दोनों ही करंट यहाँ पे मिलके एस रेजिस्टेंस में जाएगी, यानी आई टू प्लस आई जी। और सी पॉइंट पर यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों से करंट ऐड हो जाएंगी, मतलब कितनी हो जाएंगी, आई वन माइनस आई जी, और इस साइड वाली करंट आई टू प्लस आई जी। ये तो आई जी से आपका आई जी कैंसिल हो जाएगा, तो आई वन प्लस आई टू बच जाएगी और वो आई बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब ये इस ब्रिज में हम यहाँ पे देखो लूप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लूप बनाना पड़ेगा, केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी डी ए फर्स्ट लूप हमारा ये बन गया, जिसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे और इस तरीके से ये जाएंगे ऐसे। सेकेंड लूप हमारा बी सी डी भी, मतलब इस यहाँ से बनना स्टार्ट होएगा और हम इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे। तो दो लूप बन गए हमारे, इसको हम फर्स्ट कह दें और इसको हम सेकेंड कह दें, सेकेंड लूप। फर्स्ट और सेकेंड लूप तैयार हो गए। अब हम स्टेप नंबर वन में लूप नंबर वन देखेंगे। तो यहाँ लूप नंबर वन आई वन पी, मतलब केवीएल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, आई वन पी, यहाँ से देखें आई जी जी, और ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस लेंगे आई टू आर। तो देखो आई वन पी प्लस आई जी जी माइनस आई टू आर इक्वल्स टू जीरो। इसी तरीके से हम लूप नंबर सेकेंड को देखेंगे। लूप नंबर सेकेंड हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो B से I1 माइनस IG इंटू क्यू, और ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस लेंगे दोनों ही टर्म्स। तो देख ले, I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस I2 प्लस IG इंटू एस माइनस IG इंटू जी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमें दिखाना है, इसीलिए IG की वैल्यू जो है वो जीरो होती है बैलेंस कंडीशन में। जहाँ जहाँ हमने IG यूज़ किया, जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे IG यूज़ किया है, ये जीरो होने के कारण पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो बच क्या गया, आई वन पी और आई टू आर, ये आ गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकेंड वाले स्टेप में आई जी यहाँ है, तो आई वन क्यू बचा, तो आई वन क्यू लिख दिया, यहाँ पे भी आई जी जीरो, आई टू एस बचा, तो आई टू एस लिख दिया, और ये जीरो हो ही गया इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो आई टू आर आई टू एस एक साइड में चला गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, बच गया पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। यहाँ पे एस हम अननोन रेजिस्टेंस मान रहे हैं, तो एस इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन पी, ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम व्हीट स्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।